आज हम बैटरी पढ़ेंगे। जैसे कि कल कुछ पोर्शन हमने बैटरी का पढ़ा था, देखा था। हमने कल जाना था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना। इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टू नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड द करंट डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। ये हमने कल देखा था। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस के बारे में जानना था कि रेजिस्टेंस क्या है ना। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में जो रुकावट क्रिएट करेगा, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर, एरिया पर। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, बैटरी। बैटरी क्या करती है, हमेशा हमें याद रखना है कि बैटरी केमिकल एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर क्या आता है, क्या स्टेटमेंट आता है कि इट्स अ चेंज वन फॉर्म एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो इस डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें फिट हो जाती हैं, लाइक इंजन फिट हो जाएगा, है ना, जनरेटर फिट हो जाएगा, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा है ना। तो बहुत सारी चीजें फिट हो सकती हैं वन फॉर्म एनर्जी से सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, है ना। टर्बाइन फिट हो सकती हैं। बट अगर आपको बैटरी की डेफिनेशन देनी है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि केमिकल एनर्जी को हम चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। ये हमने कल देखा था, केमिकल रिएक्शंस देखे थे इसके। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है ना, कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कैरियर है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ये देखा था, प्रिंसिपल ऑफ बैटरी देखी थी। प्रिंसिपल ऑफ बैटरी क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। ये हमने देखा था, ये कैरियर हमने देखे थे। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं वो हमने देखा था। इसको आपको याद रखना पड़ेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि आगे की जो स्टोरी है, आगे की जो भी हम सीखेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे आगे जब हम पढ़ेंगे, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और ये आउटर सर्किट में जाते हुए, यहाँ हमने लोड लगा दिया, इसको सप्लाई देते हुए वापस आ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए हमें प्रॉपर पाथ चाहिए, है ना। एक सिंगल कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते, ईएमएफ जनरेट नहीं हो सकता, ठीक, करंट फ्लो नहीं हो सकता। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हमने इसके बाद रिएक्शंस देखे थे। ये अगर मैं बैटरी चार्ज कर रहा हूँ तो क्या रिएक्शंस आ रहेंगे, डिस्चार्ज हो रही है तो क्या होगा, है ना। तो ये लेड परऑक्साइड थी पॉजिटिव प्लेट पे, यहाँ सल्फेट था, डिस्टिल वाटर हम मिला रहे थे इसमें, है ना, इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4+H2O था, यहाँ नेगेटिव स्पॉन्जी लेड थी, है ना। तो ये रिएक्शन करके हमें कुछ ये मिल रहा था, ये सारी चीजें मिल रही थी। और जब इसको चार्ज कर रहे थे तो वापस हमें ये मिल जाता था, है ना। तो ये कल हमने देखा। आज हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करेंगे। अब हमने बैटरी के एक वर्किंग को समझा है। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव प्लेट क्या है, पॉजिटिव प्लेट क्या है, टर्मिनल क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक। ये देखिए, ये पूरा एक कंटेनर है। अभी इसे इंडिविजुअल पढ़ेंगे हम, कैसी शक्ल सूरत होती है इसकी। तो ये एक पूरा कंटेनर है, ये पूरा कंटेनर है, ठीक। और ये 6 वोल्ट बैटरी है। अब ये 6 वोल्ट बैटरी कैसे, ये कैसे मुझे पता चलेगा, देखो यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 वेंट प्लग है इसमें, और ये 3 कंपार्टमेंट है। ये जो है ये एक कंपार्टमेंट है, यानी कि इस बॉक्स के अंदर 3 कंपार्टमेंट बने हुए, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, एक सेट डाला हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी इसका प्लेट्स का, है ना। जैसे ये एक प्लेट है मेरे पास, इसके बीच में मैंने एक सेपरेटर लगाया और दूसरी प्लेट ज्वाइन करी नेगेटिव पॉजिटिव, और कहाँ डाल दिया, इस सेल में डाल दिया, ठीक। तो इस एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में जब मैं दोनों प्लेट डाल दूंगा, इस वेंट प्लग को लगा दूंगा, ऐसे करके ये एक टर्मिनल निकल आएगा, है ना। अगर ये सिंगल सेल होता, ये एक ही सेल होता, तो यहाँ ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो मुझे इसी में यहाँ कहीं पॉजिटिव टर्मिनल देना पड़ता,
क्योंकि ये तीन सेल मिले हुए हैं, एक इंडिविजुअल, इसको मैं सेल बोलूंगा, ये अगर एक है तो ये सेल है, और नंबर ऑफ सेल्स को मैं बैटरी बोलता हूँ। एक सेल को मैं क्या बोलता हूँ, इस एक कंपार्टमेंट में अगर मैंने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स का, तो इसको मैं सेल बोल रहा हूँ। और ऐसे ही नंबर ऑफ सेल्स अगर मैं सीरीज में लगा दूं तो उसे मैं बैटरी बोलता हूँ। ठीक, तो अब सारे अरेंजमेंट इसमें ऐसे ही होंगे। अभी आगे पढ़ेंगे इसमें डिटेलिंग में कि कैसे कैसे अरेंज करते हैं हम इसे। अब मैंने ये क्या किया, ये एक सेल ले लिया, इस एक सेल को यहाँ देखो इस कनेक्टर के थ्रू, इस कनेक्टर के थ्रू दूसरे सेल से ऐड कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है ना, ये किस में, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब ये इस दूसरे सेल का क्या है, वेंट प्लग है, इसमें एक वेंट होल है, यहाँ से गैसेस निकलेंगी, वाटर वेपर्स निकलेंगे। अगर ये वेंट होल इन केस किसी कारणवश मेंटेनेंस नहीं किया या कोई भी कारणवश ये अगर खाली नहीं है, इसमें कचरा आ गया है, तो क्या होगा, ये बैटरी फूल जाएगी, है ना, या नीचे से क्रैक भी हो सकता है ये कंटेनर, तो वहां से गैसेस लीक हो जाएंगी। तो हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि ये होल्स हमेशा साफ रहें, इसमें बीच में ये बंद ना हो। अगर ये बंद हो गए तो फिर बैटरी फूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस नंबर वन सेल को मैंने क्या किया, ये मैं दोबारा देखते हैं हम, नंबर वन सेल को मैंने क्या कर रखा है, इस नंबर वन सेल को मैंने इससे कनेक्ट कर रखा है ये कनेक्टर के थ्रू। ये नंबर टू सेल है, इसमें भी सारी वही चीजें हैं, है ना, दोनों मैंने बैटरी प्लेट के सेट डाले हुए हैं। अब इसके टर्मिनल को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, है ना, तो ये तीसरा सेल कनेक्ट हो गया। ये एक सेल जो है मुझे इसमें 2 वोल्ट दे रहा है, एक सेल क्या कर रहा है, 2 वोल्ट दे रहा है ना। तो ये सेल कितने हो गए, 1 2 3, यानी कि 3 सेल है। तो ये बैटरी कितने की हो गई, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, देखेंगे अभी आगे, है ना, ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई आपकी। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें से जो भी मटेरियल रिमूव होगा वो यहाँ कहीं कलेक्ट हो जाता है, इसको ब्रिज कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ पे एलिमेंट रेस्ट करेगा, यहाँ दोनों प्लेट्स, ये कंटेनर है, ये बीच में ये जो लगा है ये सेपरेटर है, अभी इसे पढ़ेंगे। ये नेगेटिव प्लेट है, ये क्या है, नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक, ये नेगेटिव टर्मिनल पोस्ट है, यानी कि जो नीचे के साइड होगा ना ये वो है, ये यहाँ इससे प्लेट कनेक्ट रहेगी, नेगेटिव प्लेट, और ये जो ऊपर निकल आएगा इसको मैं नेगेटिव टर्मिनल बोल दूंगा। ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। इन सबको सीरीज में जोड़ने के बाद हमें एक नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा और एक ये पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये फिलर कैप है, ये वेंट प्लग भी बोल देते हैं इसको, इनके अंदर ऑरिफिस होंगे, होल्स होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कवर, इन सबको हम कवर कर देंगे, ये कवर है, इन सबको कवर कर देंगे और सील्ड कर देंगे, तो पूरी बैटरी आपकी पैक हो जाएगी, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा बैटरी का। चलिए आगे चलते हैं, अब इसके मेन कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे कि मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं और इंडिविजुअल हम उसे समझेंगे। जैसे बैटरी प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव, अब बैटरी प्लेट्स की शक्ल सूरत देखेंगे हम, कैसी होती है, क्या होती है, कौन सा मटेरियल पेस्ट होता है, वो देखेंगे, है ना। फिर सेपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर बैटरी बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेंट प्लग्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब इसे एक एक करके हम जानते हैं। अब जैसे ये बैटरी प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें करेंगे आगे, है ना। देखो इसने इसमें बताया है कि एक सेल क्या है, 2 वोल्ट का, तो अगर 3 सेल है तो कितना हो जाएगी कैपेसिटी बैटरी की, 6 वोल्ट, ठीक, जो कि अभी हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में। व्हाइल द बैटरी हैविंग अ 6 सेल्स, अब अगर 6 सेल्स है तो बैटरी वोल्टेज कितना हो जाएगा, 12। इन द सेम मैनर इफ देयर इज अ 12 सेल, सो 24 वोल्ट। तो बैटरी किस पे डिपेंड कर रही है, सेल्स पे, और बेसिकली सेल के, एक सेल के 2 वोल्ट होते हैं, है ना। अब ईच सेल हैज अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
हर सेल में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अगर हमने ने सीरीज में ऐड कर रखा है तो हमें एक टर्मिनल चाहिए, सारे सीरीज में ऐड कर दिए, ज्वाइन कर दिए, कनेक्ट कर दिए, फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाएगा, एक नेगेटिव टर्मिनल मिल जाएगा, उसे हम आउटर सोर्स से जोड़ सकते हैं। अब इसमें जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव प्लेट लेड परऑक्साइड पेस्टेड होगा। पॉजिटिव प्लेट पे क्या होगा, लेड परऑक्साइड है ना, और इसका कलर कैसा आता है, चॉकलेट कलर का। पॉजिटिव प्लेट का कलर कुछ चॉकलेटी कलर का होगा। नेगेटिव प्लेट्स पे लेड एंटीमनी या स्पॉन्जी लेड भी इसे बोल देते हैं, ये पेस्टेड कर रखा होगा हमने, और इसका कलर ग्रे कलर का होगा। कैसी दिखेगी हमें नेगेटिव प्लेट, कुछ ग्रे कलर की। अभी देखते हैं इस प्लेट को, ये देखिए, ये इसके फिगर मैंने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे, ये है ना, अलग अलग बैटरी के पॉजिटिव प्लेट्स हैं, ये छोटी बैटरी की, ये बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, है ना, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी, तो ये कुछ चॉकलेटी कलर की दिखाई देगी, कैसे चॉकलेट कलर की होगी। कौन सी प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट हमेशा आपको कुछ चॉकलेटी कलर की दिखाई देगी, ये कुछ ऐसी प्लेट्स होगी हमारे पास पॉजिटिव। यहाँ मैंने ये निकाल रखा है, ये किसके लिए, कनेक्शंस के लिए, यहाँ मुझे कनेक्शन करने है ना उसके लिए। ये क्या है, नेगेटिव प्लेट्स। नेगेटिव प्लेट्स पे क्या होगा, एंटीमनी होगा और ग्रे कलर की होगी। कैसी होगी, ग्रे कलर की, ये कुछ ऐसी होगी। इसके ऊपर मैंने एक्टिव मटेरियल को पेस्ट कर रखा है ना। अभी देखते हैं आगे ये कैसी होती है। एक्चुअली ये मैं जब बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसे बनाऊंगा, इसमें ऐसे करके ये कुछ बनी होगी ऐसे। अब इनके अंदर मैं क्या करूंगा, ये पेस्ट कर दूंगा एक्टिव मटेरियल। इनके अंदर मैंने ये एक्टिव मटेरियल पेस्ट कर रखा है, ये जो एक्टिव मटेरियल आपको दिख रहा है ऊपर से, ये एक्टिव मटेरियल मैंने यहाँ ये पेस्ट कर रखा है। इसको, इसके यहाँ पे मेरे को रिप्स देनी पड़ेंगी ना, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ जाए इसकी, अदरवाइज ये एक्टिव मटेरियल यहाँ पे ऐसे फिल नहीं रहेगा। तो मैंने ऐसे ये रिप्स दे के इन कॉलम्स में एक्टिव मटेरियल पेस्ट कर रखा है। ठीक, यहाँ मैं एंटीमनी स्पॉन्जी लेड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेड परऑक्साइड पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ बैटरी में क्या करते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट सेम रहती हैं, सेम नंबर रहता है उनका, बट कुछ बैटरीज में एक नेगेटिव प्लेट ज्यादा रहती है और एक नेगेटिव प्लेट ज्यादा रहनी भी चाहिए। ठीक, इससे क्या बेनिफिट है, देखिए हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव प्लेट हमारा ज्यादा रखने का पर्पस क्या है। देखिए इसमें 6 नेगेटिव प्लेट्स हैं, देखिए नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जबकि पॉजिटिव प्लेट 1, 2, 3, 4, 5, केवल 5 है, यानी कि एक नेगेटिव प्लेट ज्यादा है इस सेल में। हमें एक नेगेटिव प्लेट ज्यादा रखनी चाहिए अगर आपको अपनी बैटरी लॉन्ग लाइफ चाहिए, है ना। क्यों करते हैं, अब वो समझना होगा। ये देखिए जैसा कि इसमें लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन एट द नेगेटिव प्लेट बिकॉज देयर नेगेटिव चार्ज रिपेल द अदर नेगेटिव चार्ज एंड सल्फेट आयंस। इसका कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव प्लेट्स पर नेगेटिव आयंस आकर सल्फेट क्रिएट कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव दोनों पास पास नहीं आएंगे, इनकी टेंडेंसी क्या होगी, ये दोनों दूर दूर जाएंगे, है ना, यही तो होगा। अगर यहाँ नेगेटिव होता, यहाँ पॉजिटिव आयन होता, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, अपोजिट चार्ज है। बट अगर ये सेम चार्ज होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। बट इसमें ये कह रहा है कि नेगेटिव होने के बावजूद भी वो नेगेटिव प्लेट पे आ जाते हैं और सल्फेशन क्रिएट कर देते हैं। ये नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ इसके चारों तरफ एक लेयर जम जाती है सल्फेशन की। अब ये थोड़ी अजीब बात हो गई, अभी समझते हैं इसके रिएक्शन में जाके। वो ये वापस कह रहा है कि कुछ आयन कैन देन रीच द नेगेटिव प्लेट्स एंड रिएक्ट विद द स्पॉन्जी लेड। इसका मतलब क्या है कहने का, कि ऑलमोस्ट बहुत सारे आयन रिपेल हो जाते हैं नेगेटिव प्लेट से, चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं,
फिर भी उसके बावजूद भी कुछ फ्यू आयंस क्या करेंगे, इस नेगेटिव प्लेट पे आके जम जाते हैं, इस नेगेटिव प्लेट पे आके रेस्ट करते हैं। अब इस नेगेटिव प्लेट पे आके अगर रेस्ट करेंगे, यहाँ पे रेस्ट करेंगे नेगेटिव प्लेट्स पे आके, तो इस पे क्या होगा, सल्फेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सल्फेशन, ये हमने चार्जिंग में पढ़ा था, ये हमने पिछली क्लास में चार्जिंग में पढ़ा था। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसकी चार्जिंग की बात करूँ, मैं इसे साफ कर देता हूँ फिर बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये स्पॉन्जी लेड है, ये पीबी है ना, ये क्या कर रहा है, ये पीबी क्या कर रहा है, सल्फेट क्रिएट कर रहा है, किसके साथ, इसके साथ, एसओ के साथ, PbSO4, ये सल्फेट कर रहा है। किस कंडीशन में, जब ये चार्जिंग से डिस्चार्ज हो रहा है, यही तो पोजीशन है, जब ये स्पॉन्जी लेड, इस स्पॉन्जी लेड किससे रिएक्ट कर रहा है, इस SO4 से, इस SO4 में रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, सल्फेट, लेड सल्फेट, यही तो बना रहा है। अब इसे हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वापस ये सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, H2SO4 में चेंज हो रहा है ना। यहाँ से इसने ये एसओ ले लिया, SO4 ले लिया, उसे यहाँ ऐड करा दिया, जब ये चार्ज होगी तो ये पीवी फ्री हो गया, ये वाला पीवी फ्री हो गया, ये पीवी यहाँ आ गया, किस पे, स्पॉन्जी लेड, इसने क्या बना दिया, इंडिविजुअल स्पॉन्जी लेड बना दिया है ना। ऐसे ही सेम ये वाला एसओ उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे दो एसओ है ना, SO4, तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये पीबी यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके वापस क्या बना देगा, लेड पर ऑक्साइड। यही तो कंडीशन चल रही है। अब इसको समझते हैं, ये कब हो रहा था, जब चार्ज बैटरी को हम डिस्चार्ज कर रहे। अब मान लेते हैं कि हमारी बैटरी भैया रखी हुई है, हमने उसे लोड से कनेक्ट नहीं किया। अब लोड से कनेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, अब यहाँ दोबारा आके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा कि नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा है ना। समझने के लिए मान लेते हैं कि 10 आयन आए है ना, 10 आयन आए और इसमें से 8 उसने रिपेल कर दिए, नेगेटिव चार्ज 10 में से उसने 8 को रिपेल कर दिया, बट फिर भी दो नेगेटिव चार्ज, ये मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कि दो नेगेटिव चार्ज पीवी के साथ है ना, स्पॉन्जी लेड के साथ SO4 से रिएक्ट कर गए, इलेक्ट्रोलाइट के SO4 से रिएक्ट करके क्या करेंगे, सल्फेट क्रिएट कर देंगे, क्या बना देंगे, सल्फेट है ना। जैसा कि ये हमने अभी रिएक्शन में देखा, ये देखिए, ये क्या बना देंगे, यहाँ से यहाँ आके ये सल्फेशन क्रिएट कर देंगे है ना, ये लेड सल्फेट बना देंगे, ये जो बना रहे हैं PbSO4, डिस्चार्ज कंडीशन में PbSO4 में चेंज हो रहा है ना, लेड सल्फेट में। तो अब ये अगर मैं बैटरी छोड़ देता हूँ बिना लोड लगाए, तो भी आप फील करते हैं कि बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है। आपने सुना होगा, आपने ये देखा होगा कि आप बैटरी को अगर बहुत दिनों तक चार्ज डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, यूज में नहीं ले रहे हैं, तो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। इसका तात्पर्य क्या है कि ये जो नेगेटिव आयन्स हैं, जो थोड़े बहुत जो नेगेटिव आयन्स हैं, जो नेगेटिव प्लेट से आके रिएक्ट कर रहे हैं, वो सल्फेशन क्रिएट कर रहे हैं, वो लेड सल्फेट बना रहे हैं। जबकि ये होना कब चाहिए था, जब बैटरी हम लोड से लगा रहे हैं तब डिस्चार्ज हो, है ना, बट ये रखी हुई कंडीशन में भी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। अगर इसमें हम एक नेगेटिव प्लेट कम लगाएंगे तो बैटरी सल्फेट हो जाएगी, जिससे कि दोबारा लोड से कनेक्ट करने से ये सप्लाई नहीं देगी। तो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव आयंस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कुछ ज्यादा चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बैटरी, एक ये प्लेट एक्स्ट्रा लगा देते हैं, एक नेगेटिव प्लेट हम हमेशा एक्स्ट्रा लगाते हैं। अगर आप एक नेगेटिव प्लेट कम भी लगाएंगे तो भी बैटरी वर्क करेगी, बट उसकी लाइफ कम हो जाएगी। जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, वो हमेशा एक नेगेटिव बैटरी आपको एक्स्ट्रा लगा कर देंगी, ठीक। अब ये इसमें मैंने सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना सिखाया है। देखिए, जैसे ये एक सेल है, इसके 2 वोल्ट है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव को मैंने यहाँ से कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ये सीरीज में कनेक्ट हो गए दोनों सेल है ना। अब मैंने इसका पॉजिटिव लिया, इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये दोबारा सीरीज में कनेक्ट हो गए। ऐसे में ये सारे सेल सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा,
ये सीरीज में सारे सेल कनेक्ट हो गए। अब इस पूरे सेल के बंच को, इन नंबर ऑफ सेल्स को जो सीरीज में कनेक्ट है, इसको मैं बैटरी बोलता हूँ। अब यहाँ पे ये एक नेगेटिव टर्मिनल फ्री है इसका, और ये एक पॉजिटिव टर्मिनल फ्री है। अब मैं इसमें सेल काउंट कर लूँ, कितने वोल्ट आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सेल्स हैं। 6 सेल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 वोल्ट की बैटरी का अरेंजमेंट है। अगर 6 वोल्ट की होती या 3 सेल होते तो 12 वोल्ट हो जाते, 3 सेल होते तो 6 वोल्ट हो जाते, है ना। अब ये कितने हैं, 6 वोल्ट है तो 12 वोल्ट हो गए, है ना। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, ईच सेल 2 वोल्ट देगा। अब जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसका आपको डबल वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक, ये अरेंजमेंट मैंने दिखाया हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट कैसे लगाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी हमने नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट्स को क्या किया, आपस में ज्वाइन करा के अंदर कंटेनर में डाल दिया। यानी कि ये दोनों ज्वाइन करा के हमने एक कंपार्टमेंट में अंदर डाल दिया, बैटरी बॉक्स के अंदर। बट हम ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव को मैच करा देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, कनेक्ट करा देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगी, शॉर्ट सर्किट। तो ये प्लेट आपस में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए। अब इन बैटरियों को सेपरेट आउट करने के लिए हम यूज करते हैं सेपरेटर। ये क्या है, एक इंसुलेटर है जो दोनों प्लेट्स को शॉर्ट होने से रोकेगा। यानी कि ये एक प्लेट है, ये इसका टर्मिनल यहाँ से निकलेगा कुछ, एक ये है ना। तो इन दोनों के बीच में मुझे एक इंसुलेशन देना पड़ेगा, एक सेपरेटर देना पड़ेगा। सेपरेटर क्या होगा, नॉन कंडक्टिव, ये कंडक्टर नहीं होगा कोई, है ना। ये किसका हो सकता है, ये वुड का हो सकता है, ये किसका हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। यानी कि दोनों को सेपरेट आउट करके रखें। अगर दोनों प्लेट्स ज्वाइन हो जाएंगी या ज्वाइन हो जाती किसी कारणवश, तो बैटरी खराब हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक, उसने लिख रखा है ना, दोनों हमेशा सेपरेट आउट रहनी चाहिए, अलग अलग रहनी चाहिए। आजकल ये यूज होते हैं वो प्लास्टिक के सेपरेटर ज्यादा यूज हो रहे हैं ना, पहले वुड के भी करते थे हम, बट आजकल प्लास्टिक के सेपरेटर भी यूज हो रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने कुछ दिखाने की कोशिश करी है, ये सेपरेटर है ना, ये सेपरेटर है इसमें, ये एक इसने बैटरी सेल दिखाया है ना, ये बैटरी कनेक्टर है। ये देखो, ये पॉजिटिव प्लेट दिखा रहा है चॉकलेट, ये नेगेटिव प्लेट है ग्रे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमें एक सेपरेटर डालना होगा ताकि ये दोनों आपस में शॉर्ट ना हो। अब बात करते हैं बैटरी बॉक्स की। बैटरी बॉक्स क्या है, एक हार्ड रबर का कंटेनर है ना, जिसमें सेपरेट कंपार्टमेंट्स होंगे फॉर ईच सेल। हर सेल के लिए एक कंपार्टमेंट हमने बना रखा है। यानी कि ये ऐसे कह रहा है, जैसे ये एक कंटेनर है, तो ये एक कंपार्टमेंट, ये एक कंपार्टमेंट, यहाँ एक सेल रखेंगे, ये एक कंपार्टमेंट, यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा सेल रखेंगे। यानी कि हमने ये नेगेटिव पॉजिटिव का एक बंच बनाया और इसमें डाल दिया, है ना। अब एक नेगेटिव पॉजिटिव का बंच बना, यहाँ रख दिया, फिर यहाँ डाल दिया। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे, इस पूरे के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे। इलेक्ट्रोलाइट बैटरी प्लेट से ऊपर होगा, यहाँ तक तकरीबन इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा। अभी लेवल की बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट यहाँ जो कंपार्टमेंट होंगे, ये 1, 2, 3, ये 6 वोल्ट बैटरी के लिए, क्योंकि 3 कंपार्टमेंट है, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये सब किस में अरेंजमेंट होगा, बैटरी बॉक्स में। ठीक, यही ये बता रहा है, सेपरेटर बीच में डाल के इन सब के अंदर एक एक सेल का मटेरियल हम डाल देंगे। अब यहाँ से जो भी एक्टिव मटेरियल रिलीज होगा वो यहाँ नीचे कहीं जाएगा, है ना। ऑल रेजिडुअल प्लेट मटेरियल सेटल हेयर, यहाँ नीचे कहीं चला जाएगा। अगर इस मटेरियल की वजह से भी बहुत सी बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक, अब वो कह रहा है 3 ओपनिंग्स ईच फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल, 1 फॉर वेंट प्लग। कहने का मतलब क्या है कि अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो उसने 3 ओपनिंग्स दे रखी होगी, कहाँ पे, वेंट प्लग में।
यहाँ पे ये वेंट प्लग है या फिलर कैप भी बोल देते हैं इसको। यहाँ पे एक ऑरिफिस होगा, किस लिए होगा, गैसेस को एक्सपेंस करने के लिए, निकालने के लिए बाहर, एक्सपेंड होके बाहर रिमूव हो जाए एनवायरनमेंट में। क्यों गैसेस डेवलप हो रही है, क्योंकि इसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। H2SO4 केमिकल है, एक केमिकल रिएक्शन जब उसमें अंदर होगा तो कुछ गैसेस एक्सपेंड होंगी, कुछ वाटर वेपर एस्केप करेंगे एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए हमें इस होल को देना अति आवश्यक है। अगर नहीं देंगे तो बैटरी फूल जाएगी, बैटरी बॉक्स में क्रैक्स आ सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। ये बैटरी बॉक्स था आपका, अब हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में समझेंगे। देखिए, वन पार्ट क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एंड सेवन पार्ट डिस्टिल वाटर होगा। ये कुछ बुक में ऐसा दे रखा है, कुछ बुक में ये रेशो रेशो चेंज भी है ना। बट अब आप इस रेशो को चेक कैसे करेंगे, तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करें। एक कंटेनर में आप इलेक्ट्रोलाइट बनाएं और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करें हाइड्रोमीटर से। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हम हाइड्रोमीटर से देखेंगे, आगे चेक करना सीखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। बट फिलहाल के लिए समझिए, आपने अप्रोक्सीमेट ये रेशो रख लिया है ना, वन पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सेवन पार्ट डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, तो अब आपको लग रहा है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है या ज्यादा है या ठीक नहीं है, तो आप उसी हिसाब से इसमें H2SO4 मिला सकते हैं या वाटर ऐड कर सकते हैं और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे। तो असर्टन स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आ रही है तो ठीक है, आपका इलेक्ट्रोलाइट रेडी है ना। तो आप आफ्टर 24 आवर्स, एक दिन के बाद आप इसे यूज में ले सकते हैं। ये कुछ एनर्जी, कुछ गैसेस एक्सपेंड होती हैं, वो सारी निकल जाए, रिलीज हो जाए, ये स्टेबल हो जाए, उसके बाद हम एक दिन के बाद इसे यूज में लाते हैं। अच्छा, अब इसका लेबल कितना रखते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी कि प्लेट से ऊपर इसका लेबल रखते हैं, तो 10 to 15 mm मोर देन द टॉप ऑफ बैटरी प्लेट्स। इसका मतलब ये है कि ये बैटरी प्लेट्स यहाँ हो गई, यहाँ ये फिनिश हो रही है, ये दिखा रहा है, तो इससे 10 से 15 mm हम ऊपर रखें इसका लेवल इलेक्ट्रोलाइट का। ऐसा भी करना ठीक नहीं है कि ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ तक भर दूँ, यहाँ तक भर दूँ पूरा, ये भी ठीक नहीं रहेगा। तो हमें केवल क्या करना है, 10 से 15 mm बैटरी प्लेट से ऊपर इलेक्ट्रोलाइट को रखना है, ये देखिए। ठीक, और ये वेंट प्लग इसने दिखाया है जिसमें यहाँ होल होगा, स्मॉल ऑरिफिस होगा गैसेस रिलीज करने के लिए। चलिए, ये वही बता रहा है जो अभी हमने डिस्कशन किया। ईच ऑफ द वेंट प्लग्स हैज अ स्मॉल होल मेड इन इट। इसमें एक स्मॉल होल है, ऑरिफिस है। दिस होल अलाउ द गैसेस टू एस्केप व्हिच आर प्रोड्यूस इन ईच सेल ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस ऑन द प्लेट्स, है ना। ये अभी हमने जैसा डिस्कशन किया, ये वही बात कह रहा है कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ गैसेस एक्सपेंड होंगी, तो उनको निकालने के लिए हमें वेंट प्लग चाहिए, वेंट प्लग में ऑरिफिस चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अच्छा, ये बैटरी हमने सारी बना ली, सब पैक कर दिया, तो यहाँ हमें एक सीलिंग कंपाउंड भी चाहिए होता है। ये मैंने पूरी कवर कर दी तीनों कवरों से, अब उसके बाद यहाँ पूरा मुझे क्या चाहिए, इसका सीलिंग कंपाउंड। सीलिंग कंपाउंड कौन सा होता है, ये होता है पॉली यूथरेन सीलेंट इज यूज। ठीक, तो ये हम यूज करते हैं सीलिंग के लिए। हमने बैटरी कवर ऊपर से लगाए, और बैटरी कवर लगाने के बाद हमने क्या किया, ये बैटरी कवर मैंने ऊपर से लगा दी इस बैटरी में। ये डिजिटली मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ इसको ठीक से। ये बैटरी कवर लगाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इन एजेस पर जहाँ से गैसेस लीक हो सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइट लीक हो सकता है, मुझे ये सीलिंग कंपाउंड यूज करना होगा। ठीक, तो अब अभी फिलहाल ऐसा करते हैं कि इसमें जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर आगे चलेंगे। ठीक,